भोपाल से बड़ी खबर है, चुनावी साल में स्थायी कर्मियों की बल्ले बल्ले यहां पर देखी जा रही है। स्थायी कर्मियों का बढ़ेगा 10,000 तक वेतन, कहा जा रहा है कि सातवां वेतनमान देने की तैयारी की जा रही है। 8,000 से 10,000 तक बढ़ेगी सैलरी। तो प्रदेश में है 48,000 स्थायी कर्मी, अक्टूबर 2016 में मिला था छठवां वेतनमान। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। राकेश का रुख करेंगे। राकेश, देखिए चुनावी स्थल में कहा जा रहा है कि स्थायी कर्मियों की बल्ले बल्ले हो चुकी है, स्थायी कर्मियों का अब 10,000 तक वेतन बढ़ेगा। अब बिल्कुल, और सरकार ने यह प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मध्य प्रदेश में स्थायी कर्मियों की बात करें तो ये वो कर्मचारी हैं जो कि आज से 6 साल पहले इन्हें दैनिक वेतनभोगी कर्मी कहा जाता था। स्थायी कर्मी बनाने के बाद छठवां वेतनमान का लाभ दिया गया और अब सातवां वेतनमान का लाभ देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, मुख्यमंत्री से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। हम मोटे तौर पर देखें तो करीब 8 से 10 हजार रुपए का इजाफा होगा। जो इनके 3 अलग अलग कैटेगरी है, जिसमें अकुशल स्थायी कर्मी हैं जिन्हें चतुर्श्रेणी कर्मचारी की जो श्रेणी में आते हैं, उनका वर्तमान वेतन 21,840 रुपए है, जो कि 30,192 रुपए होगा। ये प्रस्ताव तैयार किया गया है। वहीं अर्धकुशल और तृतीय श्रेणी की बात करें तो उनका वेतन 23,400 रुपए था और जो प्रस्ताव तैयार किया गया उसमें 32,292 रुपए का प्रस्ताव है। वहीं कुशल कर्मी तृतीय श्रेणी स्थायी कर्मियों की बात करें तो उनका अभी वर्तमान वेतन 24,960 रुपए है, जो कि 34,445 रुपए करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिस तरह से जो तैयारी की गई है, इसमें माना जा रहा है कि कुछ ही समय बाद ये जो प्रस्ताव है मंजूर कर लिया जाएगा। लेकिन स्थायी कर्मियों की जो एक और मांग है, जिसमें एरियर की बात है, साथ ही नियमितीकरण की मांग है, उस पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हो सकता है। बिल्कुल, अभी ये देखना भी होगा कि कितने जल्द से जल्द इस को लागू भी किया जाता है और स्थायी कर्मी कितने खुश है इस फैसले से।